हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का कोन का सम। द स्टेटमेंट गिवन इज अ कोन डायमीटर ऑफ बेस 50 mm एंड हाइट ऑफ एक्सिस 60 mm इज रेस्टिंग ऑन इट्स रिम ऑफ बेस ऑन द HP इन सच ए वे दैट द एपेक्स रिमेन्स 45 mm अबव HP एंड The plan of the axis makes an angle 30 degree to the vertical plane. Draw its projections when apex is away from the VP and find the inclination of base with horizontal plane. तो सबसे पहले मैंने 25 mm रेडियस का एक सर्कल बना दिया। अब ये सर्कल को हम लोग 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अभी दोस्तों ये सारे एंगल्स है, दैट इज इक्वल टू 45। तो यहां से जो कोन की हाइट है दैट इज इक्वल टू लेट्स से 600। अब दोस्तों हमको जो इंक्लिनेशन दिया है दैट इज इनडायरेक्ट इंक्लिनेशन ऑफ द कोन विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हमको ये बोला गया है कि दिस एपेक्स इज 45 mm अबाउ एक्स वाई लाइन, यानी कि इसको मुझे इस तरह से टर्न करना है, यानी कि ये फिगर को ऐसे हमको घुमाना है कीपिंग ई डैश ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ से मुझे एक 45 की लाइन बनानी है बॉटम से। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन से 45 का एक लाइन बन गया। लेट्स से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जैसे स्टार्ट करते हैं तो ये जो मेरा ईडैस से ओडैस है मैंने यहाँ से लिया और यहाँ पे मार्क किया। यहाँ से ये जो मेरा डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू 45। तो फ्रेंड्स ये जो कोन इस तरह से इंक्लाइंड है कि उसका जो अपेक्स है विच इज 45 mm अबव HP। अब फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स हमको प्लान के लिए ट्रांसफ़र करना है। लेट से मैंने ट्रांसफ़र किया ए। अब यहाँ पे प्लान के लिए अगर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो लेट से दिस इज़ जी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ज़रा ध्यान से देखना पड़ेगा, ये हमारा ए आया तो इसको हम लोग बोलेंगे ए। यहाँ से बी इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी, ये हो गया मेरा डी, ये हो गया मेरा ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी और यहाँ पे एच, एच और एच, और ये मेरा क्या हो जाएगा ज़ीरो। अब फ्रेंड्स आपको ये फ्री हैंड में पूरा कर्वेचर कंप्लीट करना है। तो लेट्स से आई कैन स्टार्ट विथ बी ए एफ जी ऐसे, फिर यहाँ पे बी सी कुछ ऐसे। ये जो एंड्स है यहाँ पे मुझे टेंजेंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से टेंजेंट बना दिया, यहाँ से भी आपको टेंजेंट बनाना पड़ेगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे टेंजेंट बनाया और ये जो इनर सर्कल है अंदर वाला सर्कल है विच इज कम्प्लीटली डॉटेड। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो उसके बाद का जो इंक्लिनेशन है वो हमको बोला है कि प्लान ऑफ एक्सिस मेक्स 30 डिग्री टू वर्टिकल प्लेन। सो दोस्तों ये मेरा पॉइंट ही मिलेगा यहाँ पे, और ये जो लाइन है ये मेरा क्या है, दिस लाइन इज नथिंग बट इट्स अ प्लान ऑफ एक्सिस, प्लान ऑफ एक्सिस। दिस मेक्स 30 डिग्री टू वर्टिकल प्लेन, 30 टू VP। हाँ दोस्तों, तो ये प्लान ऑफ एक्सिस 30 टू VP। दूसरा हमको ये भी यहाँ पे बोला गया है कि एपेक्स रिमेन्स अवे फ्रॉम VP
एपेक्स रिमेंस अवे फ्रॉम वीपी का मतलब है ये जो मेरा ड्राइंग है वो ऐसे नहीं जाएगा, ये मेरा ड्राइंग ऐसे जाएगा, यानी कि ये एपेक्स है ये एक्स वाई तरफ नहीं रहेगी, ये एपेक्स एक्स वाई से ऑपोजिट डिरेक्शन में रहेगी। गॉट इट? यानी कि ये जो पर्टिकुलर मेरा सॉलिड है उसको उठा के हमको ऐसे रखना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने एक लाइन ऐसे बनाई, उसके बाद ये पर्टिकुलर पॉइंट से मैंने एक 30 डिग्री का लाइन बनाया, लेट्स से 30 डिग्री पे मेरी एक लाइन यहाँ पे आई। अब ये जो पर्टिकुलर परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा, यानी कि ये जो पॉइंट है मैंने यहाँ पे मार्क किया, उससे मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई। तो यहाँ से लेके ये सारे पॉइंट्स हमारा हमने मिला दिया, लेट से ऐसे। यहाँ पे मेरा जो प्लान ऑफ एक्सिस था, तो प्लान ऑफ एक्सिस यानी कि मेरा ये था, दिस मेक्स 30 डिग्री विद द वर्टिकल प्लेन एंड एपेक्स इज अवे फ्रॉम वीपी। नाउ फ्रेंड्स, मेरा फाइनल एलिवेशन कैसा होगा? सो आपको सारे प्रोजेक्शन ट्रांसफर करने हैं यहाँ से ऊपर। लेट्स से स्टार्ट करते हैं ए से। तो ए, अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं, लेट्स से जीरो। यहाँ पे वन बाय वन पॉइंट हम लोग यहाँ पे मार्किंग करते हैं, और लेट से ये गया मेरा ऊपर ए, और यहाँ पे आया मेरा ए, तो इसको हम लोग बोलेंगे एडेस। उसके बाद बी यहाँ से गया ऊपर, और ये जो पॉइंट हमको मिला दैट इज नोन एज अ बी डैस। दूसरा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखोगे तो ये बेस हमारे पीछे है, यानी कि इनर ये बाउंड्री हमारी कैसी आएगी? डॉटेड आएगी। सबसे हम लोग पहले क्या करेंगे, एक लाइट एक लाइन बना लेते हैं, फिर यहाँ से टेंजेंट, यहाँ से भी टेंजेंट। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं। यहाँ से आपको टेंजेंट बनाना है ओ तक, तो लेट से दिस इज अ टेंजेंट, दिस इज ऑल्सो ए टेंजेंट एट एडस, और अंदर वाला जो सर्कल है उसको हमको डॉटेड ऐसे लगाना पड़ेगा क्योंकि वो पीछे की साइड है। तो दोस्तों, दिस इज द फाइनल प्लान एंड दिस इज द फाइनल एलिवेशन विच सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस। दिस कोन इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस ऑन एचपी एंड इट्स एपेक्स इज 45 mm अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन। प्लान ऑफ एक्सिस मेक्स 30 डिग्री विद द वर्टिकल प्लेन। सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ कोन। फाइनली दोस्तों, आप ये चैनल देखते रहिए और इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखते रहिए, बिकॉज इंजीनियरिंग ड्राइंग इज वेरी इजी।